नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हम लोग को आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने घरों में सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मुंबई की रेन ने दस्तक दे दी है और मुंबई में हाई ऑरेंज अलर्ट हो चुका है। इसके लिए मैंने आज ऑरेंज टी शर्ट पहना है ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ऑरेंज अलर्ट हो चुका है। एक्सक्लूसिव मेरे चैनल पे एक बार फिर से मिस्टर नुरेन है, जो कि एक सेफ्टी कॉरपोरेट हेड है एक रियल एस्टेट कंपनी में। आज उनके साथ मैं एक सेफ्टी वीडियो बनाने जा रहा हूं और वो वीडियो ऐसा वीडियो है जो वीडियो सबके जीवन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब एक ऐसी लाइफस्टाइल में जीते हैं जो कि बिल्डिंग में ही सीमित हो जाती है और बिल्डिंग्स में सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सुरेन भाई और नुरेन भाई का कॉरपोरेट जगत का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है और सेफ्टी से रिलेटेड ये काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ एक मिलके एक वीडियो बनाया जाए। ऐसा वीडियो है जो सारे CHS, जितनी भी कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज है या जितनी भी बिल्डिंग्स है जहां पे फायर के सारे प्रोटेक्शन और उसके एक्सटिंग्विश सर यूज होते हैं, उन सब के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो अगली आवाज रहेगी नुरेन भाई। हाय, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बेसिक चीज बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हमारा ये है कि आग को कैसे बुझाया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए हम लोगों को आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आज देख लीजिए, आपके सामने ये दो टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। एक है इसमें जो ABC है, ये जो तीनों आग को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपको बताऊंगा आग के बारे में किस किस टाइप के होते हैं। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका इस्तेमाल क्यों और कब किया जाता है वो आपको बताऊंगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा फायर ट्रायंगल के बारे में। आखिर आग क्यों लगता है, आग क्यों लगता है, वो चीज सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आग लगने के बाद जो बुझाने की प्रक्रिया होती है वो बाद की होती है, बट आग लगती क्यों है उसके बारे में पहले आप ये बताएंगे। आग जो लगती है वो फायर ट्रायंगल बोले जाते हैं उसको, जो फायर ट्रायंगल, ये तीन चीज, अगर इसमें से एक भी चीज अगर नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। सबसे पहले अपना होता है फ्यूल। फ्यूल में जो हमारा जो आ जाता है, लकड़ी हो गया या फ्यूल हो गया, वायु हो गया, ये सब हो गया जो कंबस्टेबल मटेरियल बोलते हैं। और दूसरा चीज हो गया हमारा हीट, हीट फ्यूल, हीट। और तीसरा चीज मेन है ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन देखा होगा कभी भी मोमबत्ती या कभी कोई दिया जलाते हैं, उसको अगर पावर करते हैं हाँ, तो दिया बुझ जाता है, बुझ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसके कारण वो बुझ जाता है। तो मेन चीज हम लोग को, अगर तीनों में से एक चीज भी अगर कम होगा तो आग नहीं लगेगी। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ये तीनों चीज में से एक चीज को खत्म करना है। तो कहीं पे अगर हम कॉम्बस्टेबल मटेरियल, जलने वाला पदार्थ रखा हुआ है, तो वहां पर से हमको हीट हीट नहीं हुआ ऐसा कोशिश करना है वहां पे। और वहां पे ऑक्सीजन, अगर हीट हो गया तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिले, उसी हिसाब से आग आग नहीं लगेगा। तो ये तीन फायर ट्रायंगल के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरा चीज, ये फायरिंग एक्सटिंग्विशर है, ये फायरिंग एक्सटिंग्विशर ड्राई पाउडर है। ABC, ABC मतलब ABC आपको जो फायर फायर जो होता है, ABC इसका क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ, ABC जो फायर होता है, ABC जो कॉमन फायर है, ए जो वुड और जो प्लास्टिक और कपड़े में जो आग लगती है उसको ए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कहते हैं। ए टाइप ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा, बी हो गया आपको जो अपना लिक्विड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ग्रीस हो गया, ओके हो गया, ओके सी हो गया आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, और भी डी के जिसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह आता है, और भी डी भी फायर होता है और के फायर होता है। तो ये दो दो फायर है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे डी फायर में आपको मेटल वगैरह में जो आग लगती है वो सब वो होता है। और जो के होता है, के जो किचन में आग लगती है, कभी आप लोग कुछ फ्राई करते हैं, आप देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो आग निकलता है, धुएं से आग फ्राई हो जाती है, आग लगती है, तो उसको के फायर बोलते हैं। बट ये आपने जो बेसिक है हमारे, जो तीन टाइप का जो ABC फायर है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। और उसको, उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर अच्छा होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा सकते हैं और कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आज आप लोग को समझाता हूँ। बिल्कुल ध्यान रखिए, ABC इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए फायर जो है, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर ABC है, इसमें पाउडर है, ये तीनों टाइप के फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लकड़ी में आग लग गया, या फ्यूल में है, या और ना ये इलेक्ट्रिक फाइल, उसमें भी यूज होता है। लेकिन ये वाला जो है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया है, ये आपको इलेक्ट्रिकल फायर के लिए स्पेशली यूज होता है। इलेक्ट्रिकल फायर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना चाहिए। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर,
ओके इस थायरस ट्यूसर का देखेंगे आप, ये इसका हाउस भरा होता है। हाउस भरा होने का कारण है कि इसमें से जो निकलता है, जब इसको हम लोग खोलते हैं तो इसमें से सिर्फ टेम्परेचर निकलता है, और ये वाला आप जब खोलेंगे तो इसमें से आपको पाउडर निकलता है, ड्राई केमिकल पाउडर जो बोलते हैं। तो इसके अंदर पाउडर है, तो पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप मान लो ऑफिस में आग लग गई तो बहुत सारी अपनी कंप्यूटर होती है, फाइलें होती है, तो वहां पे अगर हम फाइल को अगर बचाना चाहे या अपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को बचाना चाहे तो ये पाउडर से नहीं बच सकेगा। ओके उसमें पाउडर क्या से, होगा कि अगर पाउडर मारते हैं तो वो आग तो बुझ जाएगी हाँ बट वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए ये CO2 यूज होता है, जो आपको फायर अगर कहीं पे है, इलेक्ट्रिकल फायर है या ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी चीज में लगा है, तो उसको टेम्परेचर से ठंडा कर सकते हैं। आपका कोई भी चीज, कोई भी डाटा खराब नहीं होगा, कोई भी ओके पेपर आपका खराब नहीं होगा, वो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ओके तो आज आपको बताऊंगा इसको चलाने की प्रक्रिया कैसे चलाया जाता है हम लोग को। मेन चीज है इसमें, सबसे पहला हमारा थंब रूल बताया जाता है पास सिस्टम, PASS। पास मतलब P मतलब इसको सबसे पहले हम लोग ये जो यहाँ पे लॉक लगा होता है, हर फायर एक्सटिंग्विशर में आप देखेंगे ये सील होता है, तो ये सबसे पहले P फॉर पास, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ना इसको पड़ेगा, तोड़ेंगे, हाँ सील को तोड़ना पड़ेगा इसको सर। निकालेंगे। ये निकालने के बाद आपका ये फ्री हो जाता है। तो फ्री होने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर, ए फॉर टी ए पाइप को फॉर निकाल। एम, तो ओके हाँ हम लोग एम लगाएंगे, जो फायर का जो बेस होता है, हाँ फायर के बेस में कभी भी एम लगाना है, कभी भी नहीं कि ऐसे ऊपर लगाया या जिधर से हवा आ रही है उसके उल्टे अपोजिट में नहीं करना है, तो हम कभी भी फायर के बेस में इसको लगाएंगे। ठीक है, ये एम कर दिया, उसके बाद ये निकल जाएगा और इसको हम दबाएंगे, स्क्यूज बोलते हैं, ओके तो स्क्वीज ऑटोमेटिक मतलब दबाना, वो निकलेगा। उसके बाद स्वाइप करेंगे, स्वाइप करेंगे, स्वाइप करेंगे जो जहां फायर होगा वहां पे स्वाइप करके आप स्वाइप उसके करेंगे, बेस स्वाइप को खूब बुझा सकते हैं। मतलब जगह को बदलते रहेंगे। तो तो ये आपको PASS पहले, पास सिस्टम का ये हो ये गया, पास का फुल फॉर्म होता है। फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए मेन चीज हमको पास सिस्टम का इस्तेमाल करना है, ओके स्वाइप, पुल एम क्यूज और स्वाइप, ये चीज हो गया। तो यहाँ पुल पर करना है, एम करना है निशाने को, उसके बाद स्क्वेज करना है मतलब उसको दबाना है, और उसके बाद स्वैप करना है ताकि वो जगह पे उसका छिड़काव हो जाए। और ये इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये इसमें है कि नहीं है, हाँ तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मीटर लगा हुआ है उसका, इसको यहाँ अगर जूम करके हम दिखाना चाहेंगे इसको हम बाद में भी डाल देंगे, ये बट टेम्परेचर शो, इसमें ये शो करता है कि है कि नहीं है, कितना इसमें भरा तो ये हुआ है। ग्रीन पे होना चाहिए हमेशा, ये इसका जो है काटा है तो ग्रीन पे रहेगा तो ये ओके है। अगर ग्रीन से ज्यादा, अगर रेड में आता है, ज्यादा आता है तो मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर प्रेशर ज्यादा, ज्यादा भी अपने लिए सही नहीं है, ओके कभी कभी इसका भी इंसिडेंट हो जाता है, ओके कभी ब्लास्ट हो जाता है, ओके तो ओके क्या होता है। और यहाँ पे जो है रेड है, जो नीचे की तरफ रहेंगे तो यहाँ पे समझिए खाली है, ओके ओके तो अपने को इसको फिर ये भरने का, ओके तो ये चीज इसका समझ में और आगे इसको आप इजीली इजीली इसको रिफिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी बिल्कुल एजेंसीज होती हैं जो एजेंसीज को टाइम पे आप रिफिल करती हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है जिसको AMC बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है उसका, और इसको आप रिफिल भी कर सकते हैं। आज मैं ये आपको चलाने का सिर्फ बता रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कभी रहेगा तो डेमो भी डेमो भी देंगे, दिखाएंगे, लाइव डेमो क्योंकि वो देंगे। लाइव डेमो जरूरी है। और ये चीज बेसिक चीज आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है ये किसके लिए लगा है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है। हम लोग ज्यादातर फायर में जब कॉमन आग लगता है तो हम लोग जल्दी से पानी लाके जो जो पानी मिलता है पानी डाल देते हैं, हाँ तो लेकिन फायर को हमको पहले उसका क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। अगर वही आग लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक से आग लगा है तो वहां पे पानी रखेंगे तो उसके लिए गुड कंडक्टर हो जाएगा, और आग आपको सॉक्स भी लग सकता है और वो आग बढ़ भी सकता है। ओके इसीलिए वहां पे हमको समझना है कि या पेपर में आग लगा है, लकड़ी में आग लगा है या इलेक्ट्रिकल में आग लगा है, ओके तो वो चीज को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जो ABC सिस्टम मैंने समझाया है वो उस पर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आग को समझने के लिए। तो ओके इलेक्ट्रिकल का रहेगा तो आप तुरंत सबसे पहले ढूंढेंगे CO2 कहाँ पे, CO2 आपको दिखेगा ऐसा, हमेशा CO2 का जो इनहॉल्स रहेगा बड़ा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको ऑपरेट करते समय ये यहाँ से खुलता है, इसका ये पिन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इसको घुमा के यूज हो और जाएगा। इसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है अच्छा तो आपका हाथ जलने का चांस होता है, ओके ठंडा मतलब ये हीट रहता ये है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ओके ओके तो इसके लिए कभी भी इसको आपको इसके लिए हैंडल दिया हुआ है कि ये टेम्परेचर ऐसे हैंडल है और इसको स्वैप करना है।
इसमें भी PaaS का फॉर्मूला यूज हाँ, होगा? इसमें भी पास सिस्टम यूज करना है, ओके जो इसमें फिन दिया है और ये इसका नॉब दिया हुआ है। ओके ओके, तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव ये सेशन था, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो था। एक्चुअली ये इसके लिए था क्योंकि ये चीजें हर जगह तो मौजूद होती हैं, बट नॉर्मली लोगों को यूज नहीं करना आता है। अभी आपका ये मैसेज लोगों तक जाएगा तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए PaaS, पुल और एम, उसके बाद स्क्वेज और उसके बाद स्वैप, ये चार चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, इसके लिए दोनों बॉटल भी एक जगह लगी रहती है, क्योंकि आज मुझे समझ में आया कि क्यों दोनों का जरूरत है। ये किसी और चीज की तरीके की आग को बुझाने में काम आता है और वो किसी और तरीके की आग को बुझाने में काम आता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ आएंगे। नुरेन भाई, आप फिर से कुछ लास्ट में एक बार बोल दीजिए अपने व्यूवर्स को। आप लोग इसको लाइफ में कभी भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और आपको हर जगह पे ये चीज मिल जाएगा। और आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सही इस्तेमाल करना आपको जानकारी होना चाहिए। और अपने घर में भी इस चीज इन्फॉर्मेशन को बताइए, घर में जो लेडीज जो किचन में काम करती है उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ फायर कैसे होता है। अगले वीडियो में हम लोग किचन सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, कैसे हम लोग को गैस का सेफ्टी करना है, एग्जैक्टली किचन मैं कैसे यही बोलना सेफ्टी चाहता करना हूँ है। कि आप फिर से आगे हमको टाइम दीजिएगा और हम फिर से कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। आशा और उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना शेयर करेंगे उतना ही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होएगा और उतना ही लोगों के काम आएगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, उस पर भी हम वीडियो आगे बनाएंगे। और तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।